नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ओपन मूर के बारे में। ओपन मूर हम लोग जनरली रिवर्स में करते हैं, और इसमें देखिए ये दोनों एंकर जो हैं लीडिंग अहेड रहते हैं एकदम। ये पोर्ट एंकर है और ये स्टारबोर्ड एंकर है। ओपन मूर करने के अलग अलग पॉइंट्स हैं, मैं आपको सारे पॉइंट्स समझाऊंगा सिंप्लीफाइड वे में, आप बस ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आ जाता है अप्रोच एंकरेज विथ विंड और करंट ऑन वन बाउ। हम एंकरेज में जब अप्रोच करेंगे तो विंड और करंट जो भी इफेक्ट होगा उसको हम लोग हेड ना करके उसको बाउ में लेंगे। जैसे मैंने इस फिगर में दिखाया हुआ है, मैंने पोर्ट बाउ में लिया हुआ है, या तो विंड है या तो करंट है, जो भी है। सेकेंड पॉइंट इसमें आ जाता है वेदर एंकर इज लेट गो इन पोजिशन वन एंड द हेडवे कंटिन्यूड एंड केबल इज लेट अप 1/3 ऑफ फाइनल लेंथ। इसका मतलब है वेदर एंकर को हम लेट गो करेंगे। वेदर एंकर क्यों बोल रहा है? क्योंकि जो वेदर के फेस में है, जैसे इसमें पोर्ट एंकर की बात हो रही है, क्योंकि मैंने विंड या फिर करंट को पोर्ट साइड में पोर्ट बाउ में लिया हुआ है, तो ये वेदर एंकर हो गया। तो इसको जब पोजीशन वन पे आ जाएगा तो हम इसको लेट गो कर देंगे और हेडवे कंटिन्यूड रखेंगे अंटिल 1/3 ऑफ द फाइनल लेंथ ना हो जाए पोर्ट एंकर का। थर्ड पॉइंट इसमें आ जाता है सेकेंड एंकर इज लेट गो एट पोजिशन टू, फर्स्ट एंकर स्नब्ड एट जिप्सी। जब पोजिशन टू पे आ जाएगा जहाज, क्योंकि मैं इसको स्लैक देता जा रहा हूँ 1/3 ऑफ द फाइनल लेंथ जब तक ना होता तो मैं स्लैक दे रहा हूँ, जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा पोजिशन टू पे मैं स्टारबोर्ड एंकर को लेट गो कर दूंगा और फर्स्ट एंकर को स्नब्ड एट जिप्सी का मतलब क्या है, मैं ब्रेक अप्लाई कर दूंगा विंडलास में, ठीक है, जब पोजीशन नंबर टू पे आ जाएगा। तो पोर्ट एंकर को मैंने स्नैप्ड कर दिया जिप्सी पे, मींस ब्रेक अप्लाई कर दिया विंडलास पे, ठीक है। तो इसमें फोर्थ पॉइंट आ जाता है वेसल ब्रिंग्स टू ऑन हर वेदर केबल एंड ग्रेजुअली टॉर्ड्स टू विंडवर्ड। तो ब्रेक अप्लाई मैंने कर दिया पोर्ट एंकर पे, और इस पे जब पोजीशन टू पे आया था तो मैंने स्टारबोर्ड केबल को लेट गो कर दिया था। तो जब धीरे धीरे टाइट होना शुरू होगा तो ये वेसल की पोजीशन थ्री पे होगी इस समय, जब टाइट हो जाएगा पूरा केबल, ठीक है, क्योंकि विंड या फिर करंट इसको पोर्ट साइड से धक्का दे रहा है और स्टारबोर्ड केबल मैंने लेट गो करके रखा ही हुआ है, तो ये पोजीशन नंबर थ्री पे आ जाएगा। ये इसका फोर्थ पॉइंट है। फिर क्या करेंगे, पांचवा पॉइंट बोलता है बोथ एंकर्स आर वियर्ड। तो पांचवा पॉइंट बोलता है बोथ एंकर्स को हमें दोनों एंकर को मतलब स्लैक करते रहना है, बट हम सबसे पहले क्या करेंगे स्टारबोर्ड को स्लैक करेंगे क्योंकि पोर्ट के हमारा केबल ज़्यादा है। इतना पोजीशन वन से लेकर थ्री के देखिए कितना लंबा हमने पोर्ट केबल जो है दे रखा है, मीन्स 1/3 ऑफ द फाइनल लेंथ। तो पहले हम लोग स्टारबोर्ड को स्लैक करते चले जाएंगे और फिर जब स्टारबोर्ड स्लैक करते करते जब पोर्ट के बराबर हो जाएगा फिर दोनों को साथ में स्लैक करते करते पोजीशन नंबर हम लोग फोर पे आ जाएंगे। तो इसका सिक्स्थ पॉइंट बोलता है फाइनली दी एंकर्स एट वन पॉइंट एट ईच बाउ। तो दोनों एंकर जो हैं बाउ के एकदम इक्वली होंगे, इक्वली बराबर बराबर, ठीक है। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है आपको ओपन मूर समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।